नमस्कार। आजच्या क्रिएटिव्ह कॉमन लायसन्स फॉर ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस या व्याख्यानाच्या निमित्ताने आपण एकत्र जमलो आहोत। या 1 तासाच्या वेबिनारसाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र झुंजाराव सर, व्याख्याता शांतश्री सेन गुप्ता मॅडम, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख खोकले सर आणि त्यांचे प्राध्यापक सहकारी, मराठी विभाग प्रमुख निशा भंडारे मॅडम आणि माझे इतर सर्व सहकारी, हिंदी विभाग प्रमुख प्रेरणा मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं मी स्वागत करते। कोविड-19 पार्श्वभूमीवर आपण ऑनलाईन टीचिंग यशस्वी पद्धतीने करत आहोत। आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण यापुढे जाऊन आपल्याला जो ई कंटेंट द्यायचा आहे त्या संदर्भामध्ये आपण आज हे वेबिनार आयोजित केलेलं आहे। आपले प्राचार्य माननीय झुंजाराव सर आपल्या नेहमी सांगतात की विद्यार्थ्यांना ई कंटेंट देणं, त्यांना तो मिळणं अतिशय आवश्यक आहे। त्या दृष्टिकोनातून आपण आज सीसी लायसन्स आणि त्याचं महत्व या विषयावर ग्रंथपाल शांतश्री सेनगुप्ता मॅडम यांचे व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे। या व्याख्यानासाठी आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करते। ई कंटेंट तयार झाल्यानंतर तो सुरक्षितपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत कसा पोहोचवायचा आणि त्यासाठी सीसी लायसन्सचा वापर कसा करायचा यासाठी राज्यशास्त्र विभाग, मराठी विभाग आणि हिंदी विभाग या तीनही विभागांनी मिळून आजचं वेबिनार आयोजित केलेलं आहे। मी माननीय प्राचार्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्याला थोडंसं मार्गदर्शन करावं। आजच्या या प्रशिक्षणाच्या शिबिरासाठी कार्यक्रमासाठी आपल्या लायब्ररियन मॅडम डॉक्टर सेनगुप्ता आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। या कार्यक्रमामध्ये आपल्या हिंदी विभागाच्या प्रमुख डॉक्टर प्रेरणा उबाळे आणि हिंदी विभागाचे त्यांचे सहकारी शिक्षक, मराठी विभागाच्या प्रमुख डॉक्टर निशा भंडारे आणि त्यांचे सर्व सहकारी उपस्थित आहेत। सर्वांचं मी प्रथमतः स्वागत करतो। हे जे विभागवार किंवा 2 किंवा 3 विभाग एकत्र करून आपण हे जे सी सी लायसन किंवा आपलं IR इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी एनरिच करणे या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। आत्तापर्यंत जवळजवळ 3 विभागांचे कार्यक्रम आयोजित झालेले आहेत। डॉक्टर सेनगुप्ता यांनी अतिशय परिणामकारकरित्या आणि सोपं करून अतिशय उपयुक्त माहिती आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना दिलेली आहे। मी या ठिकाणी एवढं सांगू इच्छितो की आता ई कंटेंट्स आपले शिक्षक सहकारी मोठ्या प्रमाणात बनवत आहेत। गेल्या 4-5 महिन्यापासून त्यांचे लेक्चरचे ई कंटेंट्स आहेत, काही जणांचे प्रॅक्टिकलचे ई कंटेंट आहेत, काही को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीचे ई कंटेंट्स आहेत। हे ई कंटेंट्स हे आपलं क्रिएशन आहे, आपल्या शिक्षक सहकाऱ्यांचं क्रिएशन आहे। हे जर दुसरं कोणी कॉपी केलं किंवा दुसरं कोणी सांगितलं की हे माझेच आहेत तर ते योग्य ठरणार नाहीये। कॉपीराईटच्या दृष्टीने सुद्धा, आपल्या एक मानसिक समाधानाच्या दृष्टीने सुद्धा ते योग्य ठरणार नाही। आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतंय की आपल्या शिक्षक सहकाऱ्यांनी तयार केलेले ई कंटेंट्स हे त्या शिक्षकांच्या नावानेच त्याचं रजिस्टर्ड व्हावेत, त्याचं सी सी लायसन मिळावं आणि मग ते कंटेंट दुसऱ्या कुठल्या महाविद्यालयात वापरले गेले, दुसऱ्या विद्यापीठात वापरले गेले, त्याचं एक आपल्याला कौतुक राहील की आमच्या महाविद्यालयातल्या या शिक्षक सहकाऱ्यांनी तयार केलेले कंटेंट XYZ विद्यापीठाच्या विभागामध्ये वापरले जातात किंवा दुसऱ्या काही कॉलेजेसमध्ये वापरले जातात। परंतु ते वापरण्यापूर्वी त्याचं पूर्ण श्रेय ज्यांनी ते बनवलं ते आमच्या शिक्षक सहकाऱ्यांना मिळालंच पाहिजे। हा विचार ज्यावेळेस आपल्या लायब्ररियन मॅडम पुढे आम्ही व्यक्त केला तेव्हा अगदी पुढच्या 1-2 दिवसातच त्यांनी सांगितलं की सर, हे सी सी लायसन हा त्याच्यातून पर्याय आहे, क्रिएटिव्ह कॉमन्स सी सी लायसन्सिंग। मग आम्ही म्हणालो हे कसं करायचं, त्यांनी त्याचा एक डेमो दिला की अगदी 2-5 मिनिटात संबंधित शिक्षक स्वतःहून आपल्या ई कंटेंटला सी सी लायसनची प्रक्रिया ते करू शकतात। आणि इतकं सोपं आहे की प्रत्येक शिक्षक हे स्वतःसाठी स्वतःला मदत करून हे सी सी लायसन्सिंग करू शकतात। त्यांनी हा डेमो दिल्यानंतर मी त्यांना सुचवलं हे प्रत्येक सहकाऱ्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, प्रत्येक विभागापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, म्हणून एक कॉमन डेमो ठेवला होता। परंतु आम्हाला कल्पना आहे की आपले लेक्चर्स, प्रॅक्टिकल्स, वेळापत्रक हे सगळं असल्यामुळे सर्व सहकाऱ्यांना त्या सेशनमध्ये
उपस्थित राहणं, ऑनलाईन उपस्थित राहणं शक्य नव्हतं. आणि म्हणून असं ठरलं की आपण त्याचा एक व्हिडिओ बनवावा आणि तो सगळ्या ग्रुप्सवर पाठवावा. तो व्हिडिओ बनवून सुद्धा पाठवण्यात आला. पण ठीक आहे, बदल हा हळूहळू होतो, काही अडीअडचणी असतात आणि ते आपल्याला मान्य आहे. म्हणून आता पुढचा टप्पा ठरला की विभागवार प्रशिक्षण सीसी लायसन्सिंग आणि आयआरचं व्हावं आणि त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. विभागांच्या कन्व्हिनियंट टाइम आणि लायब्ररियन मॅडमचाही सुटेबल टाइम हे दोन्ही ठरवून आपण हे प्रशिक्षण घेत आहोत. आपल्या बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनचं प्रशिक्षण झालेलं आहे, इतर काही विभागांचं झालेलं आहे आणि मला आनंद आहे की आज मराठी आणि हिंदी विभागाचे विभाग प्रमुख आणि त्यांचे सर्व सहकारी या प्रशिक्षणाचा, या मार्गदर्शनाचा लाभ घेत आहे. ई कंटेंट्सचं लायसन्सिंग इथपर्यंत आता उल्लेख झाला, त्याचा पुढचा भाग मी एक दोन मिनिटात सांगेल आणि मग मी थांबेल. पुढचा भाग आहे हे सीसी लायसन घेतलेले ई कंटेंट आपल्या ग्रंथालयाच्या आयआर मध्ये आपल्याला डिपॉझिट करायचे. आयआर म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी. डिजिटल कंटेंट, आपल्या लोकांनी केलेले, तयार केलेले कंटेंट्स हे त्या आयआर मध्ये आपण डिपॉझिट केले की आपल्या विद्यार्थ्यांना घरात बसून हे कंटेंट उपलब्ध होणार आहे. म्हणजे आपण असं म्हणतो की जर विद्यार्थी ग्रंथालयापर्यंत येऊ शकत नसतील तर आपलं ग्रंथालय हे विद्यार्थ्यांच्या घरी आपल्याला न्यायचंय. हे वाक्य थोडीशी अतिशयोक्ती वाटते पण अतिशयोक्ती नाहीये, ते सत्य आहे. विद्यार्थी जर महाविद्यालयात आणि महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात प्रत्यक्ष येऊ शकत नसतील तर ग्रंथालय विद्यार्थ्यांच्या घरी जाणार आहे. कशा प्रकारे ग्रंथालय विद्यार्थ्यांच्या घरी जाईल? तर त्या आयआर मध्ये जेवढे काही डिजिटल कंटेंट्स आहेत, ई कंटेंट्स आहेत, ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत आहेत. उदाहरणार्थ आपला मराठी हिंदी विषयाचा सिलेबस आयआर मध्ये असला पाहिजे. त्यानंतर सिलेबसमध्ये जी पुस्तकांची नावं दिली आहेत ती पुस्तकं किंवा पुस्तकातले टॉपिक्स, काही वेळा कॉपीराईटचा इश्यू टाळण्यासाठी काही टॉपिक्स, काही चॅप्टर्स स्कॅटर्ड फॉर्ममध्ये आपण तिथे उपलब्ध करून देऊ. आपल्या शिक्षक सहकार्यांनी तयार केलेल्या नोट्स आपल्याला आयआरमध्ये उपलब्ध करून द्यायच्यात. काही संबंधित कादंबऱ्या असतील, जर काही कॉपीराईटचा इश्यू नसेल हे बघून आपल्याला आयआरमध्ये, काही जुने क्वेश्चन पेपर्स असतील ते तिथे ठेवलेले असतील. तर आयआर हे एक दुवा ठरणार आहे आपण, म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामधला, आणि तो त्यांना घरामध्ये उपलब्ध होणार आहे. काही वर्षापूर्वी आपण डिजिटल लायब्ररी ही संकल्पना आणली, प्रत्यक्षात आणली, अनेक दृष्टीने आपण यशस्वी झालो. त्यानंतर आपण व्हर्च्युअल लायब्ररी हा शब्द ऐकला, हे नाव ऐकलं आणि लायब्ररियन मॅडमशी चर्चा केली की व्हर्च्युअल लायब्ररी मॉडर्नची व्हावी, ॲनिमेशन वगैरे करून. पण मला वाटतं आयआर हे व्हर्च्युअल लायब्ररीचाच एक भाग आहे. व्हर्च्युअल लायब्ररी तयार होते, आपल्याला आणखी काय अपेक्षित आहे? तर इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी एनरिच व्हावी. आपण लेक्चरची तयारी केली ते आयआरचा भाग बनलं पाहिजे. आपण लायब्ररियन मॅडम सांगतील त्या पद्धतीने त्यांच्याकडे डिपॉझिट करा. तुमचा एखादा लेक्चरचा व्हिडिओ आहे, तुम्ही डायरेक्टली एक लाईव्ह लेक्चर दिल्यासारखं लेक्चर दिलं पण त्याचं रेकॉर्डिंग आहे, दॅट ऑल्सो कॅन बिकम पार्ट ऑफ आयआर. आणि आता आपण जे म्हणतो एक मिशन बनलं पाहिजे मोठ्या प्रमाणात इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी आपण एनरिच करायची. तर काही विभागातून दररोज त्यांचं लेक्चर झालं की सीसी लायसन्स स्वतः घेतात ते टीचर आणि लगेचच लायब्ररियन मॅडमना पाठवण्यात येतात. तर या पद्धतीने आपण करूया. आपल्याला एक मिशन मोडमध्ये काम करायचं आहे. पहिला टप्पा सीसी लायसन्सिंग ऑफ ऑल आवर ई कंटेंट, ते व्यवस्थित समजून घ्या, त्याची प्रॅक्टिस करा. आणि कुठे एखाद्याला वाटलं की मला थोडं समजलंय, आणखी जरा माहिती पाहिजे, तर पुढचा सेशन कधी आहे आणि तो दुसऱ्या विभागाचा असला, समजा पुढचा बायोटेक्नॉलॉजीचा आहे आणि तुम्हाला रिव्हिजनसाठी जॉईन व्हायचं आहे, तर तुम्ही बायोटेकच्या एचओडींना कल्पना द्या, लायब्ररियन मॅडमना कल्पना द्या की रिव्हिजनसाठी मी या सेशनमध्ये सुद्धा जॉईन होऊ इच्छितो. निश्चितच ऑनलाईन असल्यामुळे काही त्याला अडचण नाही, संख्येचंही 250 असल्यामुळे काहीच अडचण नाही. तर जास्तीत जास्त त्याच्यातली माहिती घ्या, रिव्हिजन सेशन अटेंड करा. आणि मला वाटतं या पद्धतीने हे जे आपलं ध्येय आहे की शिक्षकांचे क्रिएशनचं क्रेडिट त्यांनाच मिळालं पाहिजे, आणि दुसरं विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात येऊ शकत नाही सध्याच्या काळात, तर ग्रंथालय आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोचवायचंय. तर या कार्यक्रम आयोजनाबद्दल दोन्ही विभाग प्रमुखांचं मी अभिनंदन करेल. लायब्ररियन मॅडमचं विशेष कौतुक की त्यांनी रिसोर्स पर्सन म्हणून
डिपार्टमेंट वाईज सेशन घ्यायला सुद्धा त्यांनी सहमती दर्शवली. तो या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. सर, या वेबिनार मध्ये राज्यशास्त्र विभाग आणि त्यांचे सगळे सहकारी खोपले सर पण आहेत. हो, एकच मिनिट, हा मी एक मिनिट आणखी घेतो. मला कल्पना नव्हती, तर आपले राज्यशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख प्राध्यापक खोपले सर यांचं सुद्धा मी अभिनंदन करेल या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल, आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचंही अभिनंदन की ते इथे उपस्थित आहेत. या दृष्टीने आपली विभागांची एकी सुद्धा दिसून येते. याच्यामध्ये मराठी विभाग, हिंदी विभाग आणि राज्यशास्त्र विभाग हे तीन विभागांनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम आयोजित केलाय, त्यांचं अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. आजच्या आपल्या या व्याख्यानाकडे आपण लवकरच वळूया. मी ग्रंथपाल शांतश्री सेनगुप्ता मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या विवेचनाला सुरुवात करावी. थँक्यू व्हेरी मच वैजंती मॅडम. रेस्पेक्टेड प्रिन्सिपल सर, रेस्पेक्टेड एचओडी ऑफ मराठी डिपार्टमेंट डॉक्टर निशा भंजाडे मॅडम, हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रेरणा उवाले मॅडम, पॉलिटिकल सायन्स विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर खोखले सर, और सभी आपके विभाग के सहकारी, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन सेशन में. और जैसे प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी बता दिया है, इसका जो मेन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के जो सेशंस लिए जा रहे हैं, व्हाई इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन, एज वेल एज हमेशा के लिए भी आप जब भी कोई ई कंटेंट किसी भी माध्यम से आपके विद्यार्थियों तक या फिर आपके सब्जेक्ट ग्रुप्स में पहुंचाते हैं, वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल कि हमें उसके राइट्स अपने पास रखने चाहिए. राइट्स इन द सेंस, जैसे हम सभी जानते हैं कि कॉपीराइट एक शब्द है, वैसे ही क्रिएटिव कॉमन्स कॉपीराइट के ही का ही आप बोल सकते हैं एक रूप है, जिससे हमारे बनाए हुए जो भी ई कंटेंट्स है, भले ही वो आपका वीडियो लेक्चर हो या फिर आपका लेक्चर नोट्स हो, वेदर इट इज इन इमेज फॉर्मेट या फिर आपके पीडीएफ फॉर्मेट में हो, या आपका कोई भी आपने अगर ऑडियो लेक्चर भी लिया है, यू हैव जस्ट रिकॉर्डेड योर ऑडियो लेक्चर, देन ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंटेंट्स कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस. तो आज का जो हमारा सेशन है उसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको बताऊंगी दैट फॉर लाइसेंसिंग द ई कंटेंट्स एंड फॉर रीचिंग आउट टू द स्टूडेंट्स थ्रू आवर कॉलेज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, आप किस तरीके से क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, whether it is our video lecture, whether it is our just image, or whether it is our lecture notes, आप कैसे उनको license करके विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं through our institutional repository. Principal sir ने जिस तरीके से अपने भाषण में already आपको एक कल्पना दे दी है that with the help of institutional repository, it is expected that our college faculty members contents jo aap daily already pahuncha rahe students ko whatsapp group mein, that is required to go through the proper channel of institutional repository, because it remains as a record that yes, a particular faculty member, for example agar khokle sir ne koi bhi unke banaye hue e contents ho ya aapke lecture notes ho, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, अगर खोखले सर इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सीसी लाइसेंस के द्वारा लाइसेंसिंग कर लेते हैं, देन इससे एक क्या फायदा होगा कि ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स दे विल गेट रिकॉर्डेड इन आवर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, उसकी एक प्रॉपर डेटाबेस में एंट्री हो जाती है,
दुनिया भर में जो भी व्यक्ति हमारे कॉलेज का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एक्सेस करेगा एंड द मोमेंट खोखले सर का नाम अगर आप उसमें टाइप करोगे तो खोखले सर के द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जनरेट होगी। देन जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी जगह से शुरुआत हो रही है। व्हाई वी आर डूइंग इट कि हम हमारे द्वारा तैयार किया हुआ जो भी ई कंटेंट है दैट यू आर लाइसेंसिंग दैट यू आर प्रोटेक्टिंग। लाइसेंस का मतलब है प्रोटेक्शन, बस ये एक सिंपल टर्म आप ध्यान में रखिए। वी आर प्रोटेक्टिंग द ई कंटेंट जो हम तैयार कर रहे हैं मेहनत से। इसके माध्यम से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं दैट यू आर रीचिंग आउट टू द स्टूडेंट्स। आपके जो हर दिन आप लेक्चर ले रहे हो, जैसे सर ने अभी अपने स्पीच में बताया, आपने इंट्रोडक्शन में बताया दैट द डेली लेक्चर्स दैट यू आर कंडक्टिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स, अगर आप ये डेली लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लो, गूगल मीट के थ्रू ले रहे हो, जैसे मैं अभी का भी सेशन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस। रिकॉर्डिंग के बाद आप आपके यूट्यूब चैनल में उसको अपलोड कर दो एंड यू कैन जस्ट सेंड मी द यूट्यूब लिंक। मैं मेरे लेक्चर में दिखाने वाली हूँ कैसे आप ये सब कर सकते हो एंड आई अपलोड दैट यूट्यूब लिंक इन आवर कॉलेज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। स्टूडेंट्स को आप यही लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि ऑथेंटिकेटेड हो जाता है आपका ये पूरा जो प्रोसेस है वो। दिस लेक्चर देन नॉट ओनली कैन बी एक्सेस्ड बाय योर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल समझिए आपने आज 5 अक्टूबर को कोई एक लेक्चर लिया, आपके FYBA के या SYBA के जो भी स्टूडेंट्स हैं TYBA के, उन लोग एग्जाम टाइम पे उन लोग सोचेंगे कि अरे सर ने तो ऑलरेडी या फिर प्रेरणा मैडम ने ही हम लोग को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी मैं COVID-19 के चलते कॉलेज में नहीं जा पा रही हूँ तो मैं कैसे मैडम का वही लेक्चर सुन सकती हूँ। अगर आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो लेक्चर का एंड इफ यू अपलोड ऑल दीज डेली लेक्चर्स ऑन यूट्यूब देन इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल। आपका स्टूडेंट तब ये आपका आज का लेक्चर एक्सेस कर सकता है आज से 2-3 महीने बाद भी, या फिर कि बिकॉज वेन एवर यू आर अपलोडिंग समथिंग ऑन यूट्यूब देर इज नो टाइम लिमिट, कभी भी कितने भी दिनों बाद कितने भी महीनों बाद या सालों बाद भी आपका वो पर्टिकुलर लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल में रह जाता है एंड थ्रू आवर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑल्सो एनी टाइम दीज थिंग्स दे स्टे इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन आवर कॉलेज वेबसाइट। इसका एक फायदा और एक है, बहुत बड़ा फायदा है, जब NAC हमारा ही कॉलेज को विजिट करेगी फॉर द 4th cycle ऑफ accreditation, दैट टाइम यू कैन शो whenever ड्यूरिंग द डिपार्टमेंटल विजिट प्रिंसिपल सर के साथ जब इंटरेक्शन होगा NAC पीयर टीम का, दैट टाइम सर इज डेफिनेटली गोइंग टू शो इट, सर इज गोइंग टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन जब डिपार्टमेंटल विजिट के लिए आएंगे दैट टाइम डिपार्टमेंट के HOD एज वेल एज जो आपके फैकल्टी मेंबर्स है दे विल बी एबल टू शो दैट देखिए हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स नॉट ओनली दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ए लॉट फॉर देयर फिजिकल जो लेक्चर्स आप लोग लेते हैं 1-to-1 जो लेक्चर्स लेते हैं बट दे इवन रीच आउट टू देयर स्टूडेंट्स थ्रू दिस ऑनलाइन मोड। सो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा हमेशा के लिए। So, I will start with our session. I will share the screen now. वैजयंती मैडम आवाज आ रही है ना ठीक से? यस मैडम। ओके थैंक यू थैंक यू। ओके सो जैसे प्रिंसिपल सर ने इंट्रोडक्शन के दौरान बताया है कि कॉपीराइट
कॉपीराइट एंड सीसी लाइसेंस, सर ने इन दोनों टर्म्स का उपयोग उनके इंट्रोडक्शन स्पीच में किया था। मैं उसी को अभी आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगी दैट आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने एक स्लाइड शेयर किया है, इसमें तीन सिंबल्स है। पहला जो है दैट इज कॉपीराइट सिंबल, ये हम लोग सब जानते हैं दैट कॉपीराइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी प्रकार के वर्क के लिए। जो भी आप कोई काम करते हो, वेन एवर यू आर पब्लिशिंग समथिंग, नॉट ओनली मैं बुक्स के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज हो, वेदर इट इज अ रिकॉर्डिंग, वेदर इट इज अ म्यूजिक, वेदर इट इज वीडियो, सिनेमाटोग्राफी हो, कोई भी चीज हो, कॉपीराइट की जरूरत पड़ती है। एंड इन इंडिया वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द कॉपीराइट एक्ट 1957, विच वॉज एमेंडेड, एमेंडेड मीन्स विच वॉज रिवाइज्ड इन 2012। हम सभी को कॉपीराइट एक्ट 1957 जिसकी पुनरावृत्ति की गई थी 2012 में, उसके क्लॉजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉपीराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से जिन लोगों ने भी किताबें पब्लिश की है, या तो एज अ फुल ऑथर, या फिर अगर आपने कोई भी चैप्टर्स भी अगर पब्लिश किए हैं, देन यू ऑल नो दैट आवर वर्क गेट्स प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है? ताकि कोई भी अपना नाम डाल के उसको कहीं पे भी शेयर ना करे। अगर वो आपके द्वारा लिखा गया है तो उस पे आपका ही नाम होना चाहिए। ऑल दिस राइट्स शुड स्टे विद यू। जो आप थर्ड एक सिंबल देख रहे हैं जिसमें एक सर्कल के अंदर सी है और उसको एक कट मार्क है, क्रॉस मार्क है, दैट इज पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है समझिए, मैंने कोई एक लेक्चर नोट्स है मेरे, या फिर कोई भी कंटेंट है मेरा, कोई एक ई कंटेंट है, वो ई कंटेंट मैं पब्लिक डोमेन में डाल देती हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल देती हूँ, एंड दैट आई एम पुटिंग अंडर पब्लिक डोमेन कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि मैंने भले ही वो ई कंटेंट तैयार किया है, बट आई डोंट वॉन्ट टू कीप एनी सॉर्ट ऑफ राइट्स। मैं कोई भी तरीके के जो अधिकार है, कोई भी तरीके के जो राइट्स है, मैं मुझ तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। जिसे भी यूज करना है वो उसे जिस तरीके से चाहिए उसे यूज कर सकता है, भले ही उसमें वो अपना नाम डाल के यूज करे, अपने कॉलेज का नाम डाल के यूज करे, कोई भी संस्था हो उसका नाम यूज करे, ही कैन यूज इट इन एनी फॉर्म। अगर मैंने समझिए कोई पीडीएफ कंटेंट तैयार किया है, कोई पावर पॉइंट कंटेंट तैयार किया है, बट दैट पर्सन जिसे वो मटेरियल यूज करना है, अगर वो उसे एज अ फिल्म यूज करना चाहता है, एज अ रिकॉर्डिंग के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहता है, देन ही कैन यूज इट। ये कब होता है? व्हेन यू आर अपलोडिंग योर मटेरियल इन द पब्लिक डोमेन कैटेगरी। लेकिन हम टीचर्स है, वी ऑल नो दैट कोई एक ई कंटेंट तैयार करने के लिए हाउ मच हार्ड वर्क टेक्स प्लेस। और वैसे भी लॉजिकली स्पीकिंग इट डजंट लुक गुड कि हमारा तैयार किया हुआ कोई मटेरियल समवन एल्स इज यूजिंग इट उसका नाम डाल के। सो द ब्रिज बिटवीन द टू इज, ब्रिज इन द सेंस कॉपीराइट और पब्लिक डोमेन के बीच में आता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का सिंपल वर्ड्स में आप एक डेफिनेशन ऐसा समझ सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस आप कई सारे राइट्स है जो आपके पास रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। एंड क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मुफ्त रहता है। कॉपीराइट मुफ्त नहीं होता है। जब भी आप कोई भी किताब लिखते हो या कोई भी आपका वर्क हो,
इफ यू आर गोइंग टू टेक कॉपीराइट फॉर दैट, उसके लिए आपको एक अमाउंट खर्चा करना पड़ता है. बट क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का एक एडवांटेज क्या होता है, यू कैन जेनरेट, आप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस खुद ही जेनरेट कर सकते हैं एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. क्रिएटिव कॉमन्स एक्चुअली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटिव कॉमन्स यूनाइटेड स्टेट्स की, एंड उनके ओर से ये एक मूवमेंट शुरू किया गया था, एक मुहिम शुरू किया गया था, ताकि जो भी कंटेंट आप ओपन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अपलोड करोगे उसका लाइसेंस किस तरीके से क्रिएटर ऑफ दैट वर्क कैन गेट. इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए क्रिएटिव कॉमन्स जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी. बहुत साल पहले से ही क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस इंटरनेशनल मार्केट में फेमस है, लेकिन इंडिया में भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं यूज किया जाता है, लेकिन जब से मार्च 2020 में COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुआ है, ड्यूरिंग दैट टाइम क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस बहुत पॉपुलर हो गया है. मैंने लॉकडाउन के दौरान कई सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं जहां पे अलग अलग रिसोर्स पर्सन ने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस को प्रमोट किया है, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं दैट गवर्नमेंट की ओर से बताया जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग करना है एंड वी ऑल हैव स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग. गए 2-3 महीने से हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं. हमारे कॉलेज के ओर से प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी से जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सरदेसाई मैडम ने ऑर्गेनाइज किए थे, मैडम ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से आप कंटेंट्स बना सकते हैं. बट कंटेंट्स बनाने के साथ साथ मैडम ने आपको याद होगा ये भी बोला था दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अपलोडिंग के टाइम पे वी नीड टू टेक केयर ऑफ कीपिंग द राइट्स विद अस. कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वैजयंती मैडम का कोई एक कंटेंट है लेकिन वैजयंती मैडम ने उसको लाइसेंस नहीं किया एंड समवन एल्स इज यूजिंग दैट, उनका नाम यूज करके एक्स वाई जेड पर्सन ने यूज किया है और उन्होंने अपना ही नाम डाल दिया है. इससे क्या होगा, वैजयंती मैडम की जो मेहनत है वो तो मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ उसके. वैजयंती मैडम ने अच्छा काम किया है, प्रेरणा मैडम ने अच्छा काम किया है, लेकिन प्रेरणा मैडम ने अपलोडिंग के टाइम पे लाइसेंस ही नहीं डाला है. तो इससे क्या हो रहा है, उनकी जो मेहनत है कोई और उसका फायदा उठा रहा है. तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए या स्टॉप करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का इस्तेमाल करना है. टोटली 6 अलग अलग टाइप के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस होते हैं, जिसके बारे में जो 7 अगस्त 2020 में IQAC एंड लाइब्रेरी ने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था उसमें आपको जानकारी दी गई थी. बट विद डिस्कशन विद प्रिंसिपल सर एंड IQAC कोऑर्डिनेटर, ये जो पर्टिकुलर लाइसेंस अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज CCBY-NC-ND. CCBY-NC-ND ये लाइसेंस सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि आप आपके ई कंटेंट्स में डालिएगा. मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ दैट इन विच वे यू कैन जनरेट इट. इससे पहले मैं सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस लाइसेंस का मीनिंग क्या होगा. CCBY-NC-ND, CC जो है वो शॉर्ट फॉर्म है क्रिएटिव कॉमन्स का, या फिर आप बोल सकते हो वो एक लोगो है क्रिएटिव कॉमन्स का. BY मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं CC BY NC includes the following elements. BY का मतलब है क्रेडिट आपके पास आना चाहिए. जैसे हम लोग लिखते हैं मराठी भाषांतर बाय वैजयंती जाधव, या फिर अगर हिंदी का कुछ एक रहा प्रेमचंद के कहानियों का अगर कोई समीक्षात्मक कार्य है बाय
प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा उबाले। तो दिस इज द मीनिंग बाय, मतलब क्रेडिट प्रेरणा उबाले मैडम का नाम उसमें लिखा जाना चाहिए। एनसी मतलब नॉन कमर्शियल, ये इसलिए सिलेक्ट करना है बिकॉज आपके जो ई कंटेंट्स है दैट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके क्रिएट किए हुए ई कंटेंट्स का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए नहीं कर सकता है, ये एनसी लाइसेंस का मतलब है। और एनडी जो है, एनडी आप देख रहे हैं, एनडी का मतलब है नो डेरिवेटिव्स। दिस मीन्स अगर आपका लेक्चर नोट्स आपने अपलोड किए हैं विद द हेल्प ऑफ सीसी लाइसेंस, जो भी तीसरा व्यक्ति आपका लेक्चर नोट्स का इस्तेमाल करेगा उसे उसी फॉर्मेट में ही यूज करना है आपका, आपको सभी तरीके का क्रेडिट देके। ही कैन नॉट से दैट आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द लेक्चर नोट्स क्रिएटेड बाय इनामदार सर और क्रिएटेड बाय हरिदास जाधव सर और मैं उसका कोई रिकॉर्डिंग करके लूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग करूंगा या वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा अलग अलग इमेजेस दिखा के। दिस कैनॉट बी डन। अगर आप लोगों ने लेक्चर नोट्स फॉर्मेट को ही लाइसेंस किया है देन जो भी इसका आगे इस्तेमाल करेगा उसे उसी फॉर्मेट में इस्तेमाल करना है। देयर शुड नॉट बी एनी एडेप्टेशन ऑफ दैट वर्क। So, my dear teachers, this is the license that we all are supposed to use for licensing our contents. That is CC-BY-NC-ND. अभी मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ एंड आई विल गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। Okay, so this is the website Creative Commons का, it is creativecommons.org। आपको इसमें इसका स्पेलिंग भी दिख रहा है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप जस्ट नोट डाउन करके लीजिए कहीं पे creativecommons.org। दिस इज द वेबसाइट एड्रेस जहां से हम अपने सभी ई कंटेंट्स के लिए लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। सो वंस यू विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट आपको यहाँ पे जाना है शेयर योर वर्क, यहाँ पे आप क्लिक करो। सो दिस इज शेयर योर वर्क, जस्ट स्क्रोल डाउन, थोड़ा सा आप स्क्रीन पे स्क्रोल कीजिए, यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके आता है, यू नीड टू क्लिक ओवर हियर एंड दिस वेब पेज विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है दिस इज द बेसिक वर्जन ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स। इसका एक बीटा वर्जन भी है, मतलब देर आर सेवरल वर्जन ऑफ अ पर्टिकुलर वेब पेज, इसका एक बीटा वर्जन भी है बट आई विल आई कैन शो यू इन बोथ द वर्जन क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बेसिक वर्जन और बीटा वर्जन में कुछ अलग है, इट इज वन एंड द सेम। I will show you in the basic version because it becomes much easier. जो पहली पहली बार यूज करते हैं सीसी लाइसेंस, ये जो बेसिक वर्जन है दिस बिकम्स मच इजियर। और ये जो बीटा वर्जन है ये फिलहाल एक्चुअली एक टेस्टिंग फेज में है या अभी तक पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। सो आई विल गो फॉर द बेसिक वर्जन ओनली। सबसे पहले यू नीड टू सी दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेज, लाइसेंस फीचर्स।
यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे सिलेक्टेड लाइसेंस करके भी आपको जगह दिख रही है, एक विंडो दिख रही है, एक बॉक्स दिख रही है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे लाइसेंस फीचर्स एंड सिलेक्टेड लाइसेंस, ये दोनों को आप एक साथ देखें, बिकॉज वॉट एवर ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे एक एक लोगो चेंज होता जाएगा, या तो एड होगा या माइनस होगा। ये जो पर्टिकुलर लोगो है ये बाय डिफॉल्ट रहने ही वाला है, बिकॉज दिस इज द सीसी लाइसेंस लोगो। बाकी के जितने लोगो है वो सब चेंज होते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन आप यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करते हैं। Now we will start it. Allow adaptations of your work to be shared. जैसे मैंने आपको बताया हम adaptations को permission नहीं देंगे, so we will go for no. Once you select no, यहाँ पे देखिए आ गया ND, no derivatives का symbol. Okay? Then next part क्या आता है? Allow commercial uses of your work. By default yes रहता है, आपको no करना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया आपको नॉन कमर्शियल लाइसेंस ही लेना है, ताकि कोई भी आपके द्वारा क्रिएट किए गए ई कंटेंट का किसी भी तरह से मॉनिटरी गेन के लिए इस्तेमाल ना कर सके। सो आई विल गो फॉर नो। वंस यू सिलेक्ट नो, यहाँ पे देखिए ये सिंबल आ गया है, सो इट बिकम्स Attribution, non-commercial, no derivatives. 4.0 is the version of the CC license. अभी फिलहाल CC license 4.0 चल रहा है. It is an international license. ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में सेम 4.0 वर्जन ही चल रहा है, एंड इट्स एन इंटरनेशनल लेवल लाइसेंस। सो हमारा, जैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, Our license is now CC BY. BY मतलब जो भी क्रिएटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर रास्कर सर का कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो रास्कर सर लाइसेंस करना चाहते हैं, देन ही विल सिलेक्ट दीज ऑप्शन। तो उससे क्या हो गया, जो भी कोई व्यक्ति रास्कर सर के बनाए हुए ई कंटेंट को यूज करना चाहेगा उसे रास्कर सर का नाम देना पड़ेगा, उनको क्रेडिट देना है। देन रास्कर सर ये भी राइट्स नहीं दे रहे हैं कि दैट पर्सन कैन यूज द क्रिएशन और दैट पर्सन कैन यूज द ई कंटेंट फॉर एनी मॉनेटरी गेन। एंड रास्कर सर ये भी राइट्स नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने जिस फॉर्मेट में बनाया है उनका ई कंटेंट उसी फॉर्मेट में उसको शेयर किया जा सकता है, किसी भी तरीके का एडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ई कंटेंट का। ओके, सो वी हैव जनरेटेड द ई लाइसेंस, द सीसी लाइसेंस, सेकेंड स्टेप हो गया है। नाउ द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आप ये थर्ड स्टेप जो है Help others attribute you, अगर आपने इसको स्किप किया तो लाइसेंस में आपका नाम नहीं आएगा। एंड वाई वी आर डूइंग इट, क्योंकि हमारे बनाए हुए ई कंटेंट में हमारा नाम आना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं आया तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। देर आर मेनी अ टाइम्स इट इज सीन कि लोग सीसी लाइसेंस तो जनरेट कर लेते हैं बट दे स्किप दिस पार्ट, क्योंकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप शायद देख भी सकते हैं, अगर आप मोबाइल में आप आज का सेशन अटेंड कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू सी। यहाँ पे लिखा है, आई विल जस्ट ट्राई टू जूम इन जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे लिखा है हेल्प अदर्स एट्रीब्यूट यू, दिस पार्ट इज ऑप्शनल बट फिलिंग इट आउट विल एड मशीन रीडेबल मेटा डेटा टू द सजेस्टेड एचटीएमएल। ये थोड़ा कंप्यूटर का लैंग्वेज ज्यादा है, आईटी लैंग्वेज ज्यादा है,
सिंपल वर्ड्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप ये जो थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप में आपका नाम नहीं डालेंगे तो आपके किए क्रिएट किए हुए ई कंटेंट में आपका नहीं आएगा. एंड अनदर मेन पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड इज, जब भी हम कोई सीसी लाइसेंस क्रिएट करते हैं और अपना नाम डालते हैं उसमें, क्रिएटिव कॉमन्स का एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में दैट पर्टिकुलर वर्क गेट्स रजिस्टर्ड अंडर योर नेम. जैसे जब आप कॉपीराइट लेते हो ना, तो कॉपीराइट में आपका नाम आ जाता है, और किसी ने अगर आगे जाके आपके काम को अपना नाम डाल के इस्तेमाल करने की कोशिश की, देन अंडर दैट कॉपीराइट एक्ट यू कैन पनिश दैट पर्सन, या फिर यू कैन सू दैट पर्सन, जो लीगल टर्म यूज होता है सू दैट पर्सन. सो इन द सेम वे, इफ यू पुट योर नेम इन द सीसी लाइसेंस, देन डेफिनेटली आपका नाम इसमें रजिस्टर हो जाएगा. मैडम आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो मैडम. ओके ओके ठीक है. ओके सो ये थर्ड स्टेप था. सो यू विल क्लिक ओवर हियर. क्लिक करने के बाद दिस टेबल विल कम, दिस सेक्शन रादर, नॉट टेबल, ये सेक्शन आएगा. मैं थोड़ा सा जूम इन कम करती हूँ. हाँ ओके. यहाँ पे क्या क्या आया है? टाइटल ऑफ द वर्क. ओके तो आपको यहाँ पे टाइटल डालना है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आज का ही एक डाल देती हूँ. Now I will request you to have a look over here also. यहाँ पे मैं जैसे जैसे whatever I am typing, these things are appearing over here. पहले देखिए हमने second stage में क्या किया था. ये देखिए यहाँ पे हमने license create कर लिया था, यहाँ पे license आ गया. अभी जो हमारा third step है, just remember हम लोग एक ही web page में काम कर रहे हैं, आपको और कहीं पे भी जाना नहीं है. इसी वेब पेज में चारों के चारों स्टेजेस है. आप यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्क टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्क अपीयर हो रहा है. मैंने टाइटल ऑफ वर्क कर लिया. नाउ एट्रीब्यूट वर्क टू नेम. सो एट्रीब्यूट वर्क टू नेम मतलब आपको आपका नाम टाइप करना है. आई विल टाइप माई नेम. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, माई नेम इज अपियरिंग. नाम के साथ साथ आपको आपका डेजिग्नेशन, एंड यू कैन इवन टाइप योर कॉलेज नेम, नहीं तो डायरेक्ट आप यू कैन टाइप योर डिपार्टमेंट नेम ऑल्सो. आई एम नॉट टाइपिंग द डिपार्टमेंट्स नेम, आई एम जस्ट डायरेक्टली टाइपिंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स ऑटोनॉमस शिवाजी नगर पुणे 5. ये मैंने पूरा टाइप कर लिया एंड द थिंग हैज अपीयर्ड ओवर हियर. ओके प्लीज एक रिक्वेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म्स मत टाइप कीजिए. इट इज ऑलवेज suggested that you should type the full name of the college. MCASC मत डाल दीजिए, सबको मालूम नहीं है MCASC का फुल फॉर्म क्या है. इट इज ऑलवेज लाइक वी हियर आर यूजिंग दिस शॉर्ट फॉर्म, बट पीपल एवरीवेयर डोंट नो दैट वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCASC. अगर आपने ऐसा कुछ किया तो कई बार समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मतलब है एमसीएससी का, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फ्रॉम विच कॉलेज और विच यूनिवर्सिटी. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट आप पूरा नाम प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स ऑटोनॉमस शिवाजी नगर पुणे 5 टाइप कीजिए. एंड फाइनल करने से पहले एक बार स्पेलिंग चेक भी कर लीजिएगा,
क्योंकि कई बार टाइपिंग के टाइम पे हमारा ध्यान नहीं रहता और बाय मिस्टेक हम लोग एक आधा स्पेलिंग मिस्टेक कर डालते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज एक बार अगर लाइसेंस रजिस्टर हो गया तो वो गलत नाम से ही रजिस्टर होता है। आपको आपके नाम का भी स्पेलिंग देखना है, आपके डेजिग्नेशन का, आपका कॉलेज का नाम का भी स्पेलिंग देखना है, एंड द टाइटल ऑफ द वर्क। एवरीवेयर यू नीड टू सी वेदर व्हाट एवर यू आर टाइपिंग इट इज टाइप्ड करेक्टली और नॉट। ये जो बाकी के रोज है, जस्ट लीव इट, उसकी जरूरत नहीं है आपको फिलअप करने की। ये कंपलसरी भी नहीं है, जस्ट लीव ऑल दिस। आपको ये दो ही चीजें डालनी है, टाइटल ऑफ द वर्क एंड आपका पूरा डिटेल। देन दिस पार्ट कम्स फॉर्मेट ऑफ द वर्क। इसमें क्या आता है, मल्टीपल फॉर्मेट्स आर देयर। उसमें आपका ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, डेटा सेट एंड इंटरैक्टिव। फिलहाल हमारे लिए सिर्फ ऑडियो, वीडियो, इमेज और टेक्स्ट, ये चार ही हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं ज्यादा। सो व्हाट एवर यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यूजिंग सीसी लाइसेंस, दैट फॉर्मेट यू नीड टू सिलेक्ट। अगर आपके लेक्चर नोट्स है देन यू गो फॉर टेक्स्ट। अगर कोई एक आधा इमेज है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हाउ यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, अगर ज्यादातर अभी ये सब इमेजेस साइंस फैकल्टी में ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन कोई भी अगर हिंदी में हो कोई, या फिर पॉलिटिकल साइंस के लोगों का अगर कुछ एक एनी इमेज यू वांट टू शो इट टू द स्टूडेंट्स, देन यू नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर वीडियो जब है, कोई आपका वीडियो लेक्चर है, जो डेली व्हाट एवर लेक्चर्स यू आर कंडक्टिंग, ऑनलाइन लेक्चर्स, यू कैन इवन लाइसेंस योर डेली ऑनलाइन लेक्चर्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर सीसी लाइसेंस, तब आपको ये फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। ऑडियो लेक्चर अगर आपका है तो आपको ये सिलेक्ट करना है ऑडियो। फिलहाल मैं आपको टेक्स्ट का दिखाती हूँ, गो फॉर दिस टेक्स्ट। यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने है लाइसेंस मार्क में, जस्ट लेट इट बी लाइक दिस ओनली। ओके, सो द वर्क इज डन, नाउ दिस इज रेडी। अभी इसको आप कैसे कॉपी पेस्ट करोगे आपके तैयार किए हुए ई कंटेंट में? नाउ आई विल शो इट टू यू। ये जो लाइसेंस का इमेज है उसको आप पहले कॉपी कर लो। कैसे कॉपी करना है, इमेज में जाके राइट क्लिक, कॉपी इमेज, एंड फॉर एग्जाम्पल वर्ड फाइल में ही मैं आपको दिखा रही हूं। अगर आपका कोई लेक्चर नोट है तो लेक्चर नोट में आप जो फुटर हम लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर वी डू इट। ओके, तो फुटर में जाके एज ए फुटर यू कैन एड इट। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे जो कॉमन फॉर्मेट है वो यूज करती हूँ। फुटर में जाके आई विल जस्ट पेस्ट दैट। मैंने कॉपी किया था हमारे वेबसाइट से, अभी यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। नाउ सिर्फ इतना करके आपका काम खत्म नहीं होता है, प्लीज डू रिमेम्बर दैट आपको ये जो सीसी लाइसेंस का स्टेटमेंट है वो भी कॉपी करना पड़ेगा। जस्ट सिलेक्ट इट, इट इज वेरी इजी, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। कर्सर ले क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करना है आपको, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी शॉर्टकट है आपके कॉपी ऑप्शन का, एंड वर्ड के इस फाइल में आके पेस्ट कर देना है। एंड देन आप उसका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लीजिए, जैसे हम लोग नॉर्मल एडजस्ट वगैरह करते हैं, थोड़ा सा आप उसको फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। सो नाउ दिस वर्क इज डन। ओके, नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? अगर आपके जितने भी पेजेस में आप काम करो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू अ सेकेंड पेज, आई विल जस्ट मिनिमाइज इट एंड शो यू। ये देखिए, अभी इससे क्या हो रहा है, मैं
2 पेजेस का मेरा डॉक्यूमेंट है, दोनों पेजेस में नीचे आ गया है। नाउ इफ आई अगेन क्रिएट अ थर्ड पेज, जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट हो उतने पेजेस में अपने आप सीसी लाइसेंस आ जाता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि हेडर और फुटर सिलेक्शन करके वर्ड में जब मैं काम कर रही हूँ, हेडर फुटर सिलेक्शन करके मैंने ये ऑप्शन आसानी से इस्तेमाल कर लिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट समझो आपने तैयार कर लिया, आपके नोट्स आपने टाइप कर लिए, नाउ यू वांट टू सेंड इट टू मी फॉर द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, आपको ये सेव करना है इन पीडीएफ। अगर आप ऑफिस 2010 यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ऑनलाइन भी कई सारे ऐसे वेबसाइट्स है जिसमें जाके आप ये डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो मैं इसको पीडीएफ में सेव कर रही हूं। ओके, सो पीडीएफ में सेव हो गया। नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स इनटू पीडीएफ। ये देखिए मैंने पीडीएफ फाइल ओपन कर ली। नाउ जस्ट सी हाउ इट लुक्स। जो आपने वर्ड में क्रिएट किया था द सेम थिंग इज हियर, सिर्फ मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। एंड यू नीड टू मेल दिस पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल टू मी। ऊपर आपका सब जो भी मैटर आपने तैयार किया है वो रहेगा, एंड अलोंग विद द सीसी लाइसेंस यू नीड टू सेंड इट टू मी। इसमें और एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नोट डेरिवेटिव्स। व्हेन यू आर मूविंग योर कर्सर, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखती है, दैट इज द क्रिएटिव कॉमन्स वेबसाइट। जस्ट क्लिक ओवर हियर चेक करने के लिए। ये मैं पार्ट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, जो भी कोई व्यक्ति थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सेस करेगा, दैट पर्सन कैन चेक इट कि सच में आपने लाइसेंस लिया है या नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया था एंड देन आई हैव क्लिक करने के बाद आई गॉट रीडायरेक्टेड टू दिस पेज। इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो काम है दिस इज प्रोटेक्टेड अंडर सीसी लाइसेंस एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल एंड नो डेरिवेटिव। और इसमें ये भी लिखा है दैट पूरा जो लाइसेंस का मीनिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ उसका ये मीनिंग यहाँ पे दिया रहता है। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एट्रीब्यूशन यू मस्ट गिव प्रॉपर क्रेडिट, देन कमर्शियल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंड एडेप्टेशंस भी इसमें नहीं हो सकते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू वॉन्ट टू रिमेम्बर इज जितने ई कंटेंट्स आपके रहेंगे उतने ई कंटेंट्स के लिए सेपरेटली आपको यहाँ पे लाइसेंस रजिस्टर करना पड़ेगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हर एक में आप सेव नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको अगर लगा कि यहाँ पे सिर्फ आप चेंज कर दोगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं टाइटल चेंज। यू नीड टू रजिस्टर इंडिविजुअल सीसी लाइसेंस फॉर ईच एंड एवरी वर्ड, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ही लगता है। इट टेक्स जस्ट 1 मिनट। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस वर्क। नाउ आई विल जस्ट शो यू कि सेम ई लाइसेंस जो है, अभी मैंने आपको पहले लेक्चर नोट्स के लिए दिखा दिया, अभी आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप कैसे कर सकते हो। पहले आप ये कॉपी कर लो। कॉपी करके आई एम शोइंग इट ऑन अ ब्लैंक स्लाइड।
देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस स्लाइड एंड देन द सेम वे कॉपी दिस पर्टिकुलर लाइसेंस स्टेटमेंट ऑल्सो. और यहां पे लाके आपने उसको पेस्ट कर दिया. ओके आप थोड़ा सा उसका अलाइनमेंट वगैरह कर लीजिए. सो व्हाट हैज नाउ हैपेंड, ये देखिए एक स्लाइड ही तैयार हो गई मेरी पूरी, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस टेस्ट सेशन बाय, मेरा नाम लिखा है, डेजिग्नेशन और द कंप्लीट थिंग इज रेडी. नाउ हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्लाइड आपके डेली लेक्चर्स के दौरान. यू आर कंडक्टिंग योर डेली लेक्चर्स यूजिंग योर लैपटॉप और यूजिंग योर मोबाइल. लेक्चर शुरू होते टाइम जब आप आपका आपके स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं या जब आपको आप नॉर्मली आपके स्टूडेंट्स ऐड करते जाते हैं लेक्चर में, तो उसी दौरान यू कैन जस्ट शेयर योर स्क्रीन. आप पहले रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड मीटिंग का बटन आपने क्लिक कर लिया गूगल मीट में, देन यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन. और स्क्रीन शेयर करते टाइम आप ये वाला पर्टिकुलर लाइसेंस का जो स्क्रीन है वो शेयर कर दीजिए. इसमें आप और एक चीज ऐड भी कर सकते हैं, लाइक वन ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी उसका. वन ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स प्रतुल गडक्कर सर है, देन स्नेहा महाजन मैडम जो है जर्मन डिपार्टमेंट की एचओडी, देन परतने मैडम है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की, दे हैव डन दिस. आपको आपका टाइटल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में लिख रही हूं क्रिएटिव कॉमन्स टेस्ट. इसमें मैंने ये लिख लिया पूरा. ओके सो दिस आई हैव टाइप, आई कैन जस्ट इंक्रीज द साइज. ये एक स्लाइड ही मैंने पूरा का पूरा तैयार कर लिया है एंड आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर स्लाइड विद द स्टूडेंट्स. एक मिनट तक आप ये स्लाइड शेयर कीजिए एंड देन यू कैन जस्ट स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन एंड स्टार्ट योर रेगुलर लेक्चर. ये वाला पर्टिकुलर स्लाइड ज्यादा देर तक नहीं रखना है, लेकिन कीप इट फॉर अ मिनट ताकि आपके रिकॉर्डिंग में ये स्लाइड आ जाए, ताकि जब भी आप वंस यू फिनिश योर लेक्चर एंड यू स्टॉप रिकॉर्डिंग योर लेक्चर, व्हेन यू आर अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब, हूसोएवर इज गोइंग टू वॉच योर यूट्यूब वीडियो, दैट पर्सन शुड रीड दिस पर्टिकुलर स्लाइड. उससे उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है इसे लाइसेंसिंग किया गया है यूजिंग सीसी लाइसेंस. एंड देन आप स्टॉप शेयर कर दीजिए आपके स्लाइड को और फिर आपका जो नॉर्मल आप जैसे भी लेक्चर लेते हैं ब्लैक बोर्ड में ले रहे हो या कैसे भी डायरेक्ट वन टू वन आप बोल रहे हो, यू कैन जस्ट डू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इन दिस वे यू कैन शेयर द स्लाइड. ओके नाउ आई विल गो बैक टू दिस एंड व्हाट यू नीड टू सी आपके हाउ यू कैन डू और व्हाट एवर वर्क यू आर गोइंग टू सबमिट हाउ इट लुक्स इन आवर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी. सो दिस इज आवर कॉलेज वेबसाइट. हमारे कॉलेज की वेबसाइट में होम पेज में ही इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ है. यू नीड टू क्लिक ओवर हियर
दिस इज द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है. Now here I will just show it how it appears. Vice principal जो professor चौधरी सर है उन्होंने उनका एक लेक्चर नोट शेयर किया हुआ है, जो उनका चैप्टर खत्म हो गया है उस चैप्टर से संबंधित उन्होंने एक लेक्चर नोट शेयर किया है. So I will show you that example. नंबर सिस्टम्स, ये उनका FYBSC सेमिस्टर 1 पेपर 2 का उन्होंने टॉपिक खत्म किया था. सो ही शेयर्ड हिज लेक्चर नोट्स विद मी. इट्स अ 28 पेज लेक्चर नोट्स एंड चौधरी सर हैज लाइसेंस्ड इट. सी यू कैन see the license appearing over here. I will just zoom it a bit. ये देखिए यहाँ पे लिखा है number systems FYBSC principles of digital electronics by professor SR Chaudhary head department of electronic science PE societies modern college Shivajinagar Pune 5 is licensed under as creative commons attribution non-commercial non-derivatives. So in this way your लेक्चर नोट्स विल अपियर. ओके, और हर एक पेज में ये आ जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि फुटर में उन्होंने वी कैन पुट इट. सो ऑन ईच एंड एवरी पेज दिस सीसी लाइसेंस इज अपियर. नाउ आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल. परतने मैडम के जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ. नाउ परतने मैडम शी हैज कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 12 to 14 वीडियो लेक्चर्स ऑफ हर, जो हर दिन मैडम लेक्चर लेती है उनके मैथ्स के SY TY एज वेल एज FYBSC के. वो सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स मैडम इज सेंडिंग टू मी. फर्स्ट शी अपलोड्स इट ऑन हर यूट्यूब चैनल एंड देन शी सेंड्स मी द लिंक. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑपरेशन रिसर्च का लेक्चर है. आई हैव अपलोडेड इट. आई डोंट अपलोड द फुल वीडियो ऑन IR. मैं सिर्फ उसका लिंक डालती हूं एंड इट कम्स इन दिस वे. सब्जेक्ट टाइटल नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर एंड YouTube वीडियो लिंक. यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे उनका वो YouTube वीडियो शुरू हो जाता है. आई एम सॉरी मैं यहाँ पे आपको आज दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि दिस अगर आप आपके मोबाइल पे एक्सेस करके देख सकते हैं बाद में. बिकॉज आई एम यूजिंग द लाइब्रेरी वाईफाई एंड फायरवॉल सेटिंग्स के वजह से लाइब्रेरी में यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर सकते हैं लिंक. सो दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू शो यू थ्रू दिस. बट यू कैन डेफिनेटली थ्रू आवर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आप ये चेक करके देख सकते हैं. नाउ विल शो यू अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्नेहा महाजन मैडम. शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड हर वीडियो लेक्चर ऑल्सो एज वेल एज उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा था उनका फॉर FYBA स्टूडेंट. सी इट इज रिटन ओवर हियर FYBA. सो आई विल जस्ट ओपन इट. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PDF करना पड़ता है. PDF करके फिर मैडम ने भेज दिया था. एंड इन दिस ऑल्सो इन ईच एंड एवरी स्लाइड द CC लाइसेंस अपियर्स. देखिए ये टोटली 24 स्लाइड्स का है और हर एक में या स्लाइड के फुटर सेक्शन में द लाइसेंस इज अपियरिंग. सी हर एक स्लाइड में है. सो इन दिस वे यू कैन मेक यूज ऑफ CC लाइसेंस एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्क. आप में से कई सारे फैकल्टी मेंबर्स के ऑलरेडी कंटेंट हमारे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में है. आई कैन जस्ट शो यू द एग्जाम्पल.
यहाँ पे सिर्फ आपको आपका नाम टाइप करना है सर्च के लिए. आई थिंक देयर सम स्पेलिंग मिस्टेक, जस्ट अ सेकेंड. नाउ सी वैजयंती मैडम का दो कंटेंट है. शी हैज ऑलरेडी सेंट हर यूट्यूब वीडियोज टू मी. इट इज इन द अपलोडिंग प्रोसेस. मैडम ने ऑलरेडी भेजा है मुझे लास्ट वीक. सो मैं अभी वो फिलहाल अपलोड कर रही हूँ. सो दिस इज द कंटेंट दैट इज नाउ अपियरिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी. उसी तरीके से इनामदार सर के भी है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में डॉक्यूमेंट्स. आई थिंक दिस इज वन डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स ऑन एजुकेशन. दिस इज वन ऑफ हिज रिसर्च पेपर्स. सो दिस पेपर इज ऑलरेडी अपियरिंग ओवर हियर. सो इन द सेम वे अभी जैसे मैंने आपको बताया था दैट द मोमेंट यू स्टार्ट सेंडिंग मी द ई कंटेंट्स विद सीसी लाइसेंस, आई विल अपलोड इट ऑन आवर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप, जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया है, जब दूसरे किसी डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग, यू कैन ज्वाइन इट ओवर देयर और यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी. आई एम एवरी डे कमिंग टू द लाइब्रेरी. यू कैन डेफिनेटली कम टू मी. मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में. एंड आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. But please start contributing the e-lectures. It is going to be really beneficial आपके खुद के लिए भी and आपके students के लिए भी. I will just want to mention one last point with you. ये जो हमारा institutional repository है, this is searchable on Google. तो आप जैसे ही इसमें आपके contents भेजना शुरू करेंगे institutional repository के लिए, आपका ऑनलाइन विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगा. एंड दिस ऑनलाइन विजिबिलिटी का मतलब होता है मॉडर्न कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स आर रीचिंग आउट ऑन अ वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल. यू आर क्रिएटिंग योर कंटेंट्स. आप आपके स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट्स तैयार कर रहे हो, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के माध्यम से आप दुनिया भर तक पहुंच सकते हो. So please think about it. It is really beneficial for you also. So I am thankful to you for listening to me. I have stopped sharing the screen now. मेरे ओर से मैंने जो explanation देना था मैंने दिया है. अगर आपके कोई भी questions है तो आप पूछ सकते हैं, कोई problem नहीं है. You can definitely ask and I would love to explain it. I would love to solve it. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you so much. सी लायसन्स आणि त्याचं महत्व आणि आपल्या इन्स्टिट्यूशनल रिपॉझिटरी वरती आपलं ई कंटेंट कसा सुरक्षित राहील यासाठी तुम्ही आज जे व्याख्यान दिलं त्याबद्दल मी तीनही विभागांच्या वतीनं, हिंदी विभाग, राज्यशास्त्र विभाग आणि मराठी विभागाच्या वतीनं आपली आभारी आहे. आपल्या कुणाला प्रश्न आहेत का? मॅडम, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी. येस मॅडम. जब थर्ड स्टेप में जो सीसी लाइसेंस जब हम बना लेते हैं, उसमें थर्ड स्टेप में जहाँ पे आप टाइटल ऑफ द वर्क टाइप करते हो और आपका नाम टाइप करते हो, मैंने इंग्लिश में टाइप किया है क्योंकि मैं इंग्लिश में दे रही थी. मराठी और हिंदी विभाग के जो है, या फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हो एंड आपका कोई लेक्चर नोट है जो मराठी में है, या आपके वीडियो लेक्चर्स जो है, या एनीथिंग इफ इट इज इन सम अदर लैंग्वेज ऑफ मराठी एंड हिंदी, आप वहां पे मराठी एंड हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही टाइप करना है. लाइसेंस का जो स्टेटमेंट है, मेन स्टेटमेंट विल कम इन इंग्लिश, लेकिन आपका नाम और आपका जो टाइटल है वो आप देवनागरी लिपि में टाइप कर सकते हैं. ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहती थी आप सबको बताना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि
फॉर एग्जाम्पल मराठी के टीचर सोच सकते हैं कि मराठी में हमारा सब है तो हम वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है क्या? फॉर एग्जाम्पल मराठी भाषा है तो मराठी भाषा को आप मराठी भाषा ही टाइप कीजिए. नॉर्मली जैसे देवनागरी में आप टाइप करते हो आप उसको, हेलो हाँ मैडम बोलिए, क्या आप उसको इंग्लिश में मत ट्रांसलेट कीजिए मराठी लैंग्वेज करके, आप उसको मराठी भाषा ही रहने दीजिए. सिर्फ एक ध्यान में रखिएगा, डोंट यूज श्रीलिपि फॉन्ट या फिर शिवाजी फॉन्ट या कृतिदेव फॉन्ट या बाकी के जितने भी फॉन्ट है, जो अपना नॉर्मल गूगल का जो फॉन्ट है ना वो वाला यूज कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप्स में ज्यादातर रहता ही है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो उसमें गूगल मराठी टाइपिंग रहती है या गूगल इनपुट टूल्स जो है, हरिदास यादव सर ने लिखा है मेक यूज ऑफ गूगल इनपुट टूल्स, तो वो यूज करके आप देवनागरी लिपि में टाइप कर सकते हैं. ओके यस सर, कोई अगर दूसरा क्वेश्चन है कोणाला आहे काही शंका प्रश्न विचारायचा आहे? ठीक आहे मॅडम, कुणाला शंका नाहीये, तुम्ही खूप छान सांगितलेलं आहे. ओके थँक्यू मॅडम. आज राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख खोकले सर, हिंदी विभाग प्रमुख प्रेरणा मॅडम, मराठी विभाग प्रमुख निशा भंडारे मॅडम आणि इतर सर्व सहकारी हरिदास सर, सुरेश रासकर सर, इनामदार सर, शिखा मॅडम, प्रशांत गावडे सर, विनोद पवार सर, हे सगळे आज या वेबिनार साठी उपस्थित राहिले, याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभारी आहे. आज जे आपण मॅडम व्याख्यान दिलं ते अतिशय उपयुक्त आहे, त्याबद्दल मी आपली परत एकदा आभारी आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र झुंजाराव सर हे नेहमीच अशा वेबिनारना प्रोत्साहन देतात आणि त्यांच्यामुळेच आज हा वेबिनार घेणं शक्य झालं. मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र झुंजाराव सर यांचे आभार व्यक्त करते आणि आज हे वेबिनार इथं संपलेलं आहे असं जाहीर करते. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम.